आप सभी को नमस्कार साथियों, आज विज्ञान का पेपर पूरा हो गया। इसका सबसे पहले और फर्स्ट उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ। तृतीयक उपभोक्ता इसमें से कौन है? तो दोस्तों एक का चार सही होगा बांझ। उपधातु किसे कहते हैं दोस्तों? तो दो का चार सही है ग्रेफाइट। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था मेरे प्रिय दोस्तों? तो ये दिया था दूसरे नंबर पर जीन बैपटिस्ट लैमार्क ने। नोबल गैस का उदाहरण है दोस्तों रेडान, यानी चौथा का चौथा सही है। जनित द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण कौन सा होता है? तो तीसरा सही है दोस्तों, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में। उसके बाद आते हैं लघु उत्तरी प्रश्न, एड्स किस विषाणु से होता है? तो ये होता है HIV, ह्यूमन इम्यूनो वायरस से। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? तो इसमें लिख सकते हैं आपकी डॉक्टर के आने से पहले का जो भी घरेलू उपचार है ये प्राथमिक उपचार कहलाता है। अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क का तात्पर्य यह होता है कि अयस्क से हम धातु निकालते हैं, यानी अयस्क वह पदार्थ होते हैं जिनसे आसानी से और अधिक मात्रा में धातु का निष्कर्षण किया जा सके। रुधिर कणिकाएँ तीन प्रकार की होती हैं दोस्तों, ये नौवां नंबर है। रुधिर कणिकाएँ कितने प्रकार की होती हैं? तो तीन प्रकार की होती हैं, WBC, RBC और प्लेटलेट्स। उसके बाद है दोस्तों 10, समजात अंग किसे कहते हैं? समजात अंग का मतलब होता है जिनकी बनावट मूल रूप से एक जैसी हो परंतु उनके कार्यों में विभिन्नता हो, इसे हम समझात कहते हैं। नेक्स्ट है जो कि एक सवाल है, आप लोग लगाइएगा। वात्या भट्टी का सचित्र वर्णन करना है अति लघु वाले में। डार्विनवाद को आप समझा सकते हैं। मेंडलीफ की आवर्त सारणी के लाभ और दोष आप जानते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य जाल का सहित उच्चारण, यानी कई खाद्य श्रृंखलाओं को मिलाकर खाद्य जाल बनता है दोस्तों। इस तरीके से जो है सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अतिशीघ्र जल्दी ही मैं गणित का भी डालूंगा। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।